वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट पेंट की थर्ड वीडियो के तुहाड़ा स्वागत है। अपनी पहली वीडियो के मैं तुहानू दस्या सी कि तुसी किवें माइक्रोसॉफ्ट पेंट नू वक्रे वक्रे तरीके नाल ओपन कर सकते हो। अपनी सैकंड वीडियो के मैं तुहानू माइक्रोसॉफ्ट पेंट के होम टैब के पहले तीन ग्रुप, सब तो पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप है इमेज ग्रुप और तीसरा ग्रुप है टूल्स। इन तीन ग्रुप के नाल मैं तुहाडी जाण पछाण करवा चुकिया हाँ। इस वीडियो दे मैं तुहानू माइक्रोसॉफ्ट पेंट की होम टैब के बाकी बचे हुए ग्रुप यानी कि ब्रशेस, शेप्स एंड कलर्स ग्रुप के नाल मैं तुहाडी जाण पछाण करवाऊंगा और इस तों अलावा मैं तुहानू व्यू टैब के जिहड़े टूल हैगे आ उन्हां नू भी यूज़ करने सिखावांगा। सो जेकर तुसीं हुण तक पहलियां दो वीडियोज़ नू नहीं देखा है तो उन्हां वीडियोज़ दे लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे विच दित्ते हन, तुसीं उन्हां वीडियोज़ नू भी देख सकते हो और अपनी जानकारी दे विच वाधा कर सकते हो। सो हुण आपां गल करदे हां माइक्रोसॉफ्ट पेंट की होम टैब दे जो साडे कोल ब्रशेस ग्रुप हैगा आ उस दे विच साडे कोल इत्थे तुसीं देख सकते हो कि इत्थे साडे कोल वक्रे वक्रे ब्रशेस हैगे आ। तुसीं जिस भी ब्रश दे नाल अपनी पेंटिंग करनी चाहुंदे हो उस ब्रश नूं इत्थों सिलैक्ट कर लो। इस तों अलावा जिहड़ा इत्थे तुसीं देख सकते हो कलर वन ते कलर टू, इत्थे दो कलर हन, तुसीं कलर वन नूं सिलैक्ट करना है ते जो भी कलर तुसीं चाहुंदे हो उस नूं तुसीं उस कलर नूं सिलैक्ट कर लो। इस तों अलावा जिस भी तरीके नाल तुसीं ब्रश दे नाल तुसीं पेंटिंग करोगे वो तुहाडी जिहड़ी ब्रश हैगी आ उस तरह की शेप इत्थे आई जाएगी। इत्थे मैं सब तों पहला ब्रश सिलैक्ट कीता सी, इत्थे हुण मैं सैकंड ब्रश सिलैक्ट कर लेना। तुसीं देखोगे कि इस ब्रश दे विच ते पहले ब्रश दे विच जिहड़ा हैगा उसकी विड्थ जिहड़ी हैगी आ जां उसका जिहड़ा टैक्सचर हैगा उस दे विच काफ़ी ज़्यादा फर्क हैगा। असल दे विच इह जिन्ने भी ब्रशेस हैगे आ इन्हां दे विच होर ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं हैगा, सिर्फ तो सिर्फ इसकी विड्थ अते इसके टैक्सचर दे विच ही फर्क हैगा आ। तुसीं देखो कि यह एक स्प्रेयर हैगा आ, इस तों अलावा साडे कोल एक पेंट ब्रश हैगा आ। तुसीं इस दे नाल जिदा स्कैचेस दे नाल असीं पेंटिंग करदे हां उस तरह का इत्थे लाइन वज जांदी हैगी आ। जे आपां अगला इत्थे तुसीं देख सकदे कि नैक्सट साडे कोल ब्रश हैगा आ, इस दे विच असीं अलग तरह दे एक टैक्सचर सानूं मिल जांदा हैगा आ ते वक्रे वक्रे तरह के ब्रशेस साडे कोल इत्थे अवेलेबल हैगे आ। सो तुसीं किसी भी तरह के जिस भी तरह के ब्रश नूं यूज़ करना चाहते हैं इत्थे यूज़ कर सकते हैं इस ग्रुप तों। सो मैं इसनूं क्लीयर कर देना। सो हुण साडे कोल नैक्सट जिहड़ा ग्रुप हैगा आ उह हैगा आ शेप्स। तुसीं देखो कि शेप्स ग्रुप दे विच सब तों पहलां इत्थे साडे कोल कुछ एक शेप्स बनिया हुई हैं अते इत्थे एक ऑप्शन है फिल अते इत्थे एक ऑप्शन है आउटलाइन। तुसीं देखो जदों मैं कोई भी शेप नूं सिलैक्ट नहीं कीता है तां इत्थे फिल अते आउटलाइन जिहड़ियां हैगियां इह दोवें ऑप्शन इह हाईलाइट नहीं हैगियां, एक्टिवेट नहीं हैगियां। सो इन्हां नूं एक्टिवेट करन लई सब तों पहलां कोई शेप सिलैक्ट करनी पएगी। सो जिवें ही मैं कोई शेप सिलैक्ट कीती ये जिहड़ियां दोनों ऑप्शन हैगियां ये भी एक्टिवेट हो गई। सो इन्हां नूं किवें यूज़ करना है ये मैं तुहानूं बाद विच दसदा हाँ, पहला मैं तुहानूं दसदा हाँ कि तुसीं किसी शेप नूं किवें ड्रा करना है। सो किसी भी शेप नूं ड्रा करन लई उस शेप दे उत्ते क्लिक कर लो। तुसीं अपने माउस पॉइंटर नूं ऐसे वाइट पेज दे उत्ते लैके आ जाणा हैगा। तुसीं किसी भी जगह दे उत्ते क्लिक करके माउस नूं हेठां जां सज्जे पासे वल नूं ड्रैग कर लो ते तुहाडी जिहड़ी शेप हैगी आ उह बण जाएगी। तुसीं देखो कि इत्थे जिहड़ी शेप हैगी आ उसदी जिहड़ी आउटलाइन हैगी आ उसका कलर रैड कलर जिहा हो गया हैगा। उह इस लई हो गया हैगा क्योंकि इत्थे जिहड़ा कलर वन हैगा आ उत्थे मैं रैड कलर सिलैक्ट कीता है। जे मैं इत्थे ब्लैक सिलैक्ट कर दिंदा ते इसदा जिहड़ा हैगा कलर उह वी ब्लैक हो जाएगा। इस तों अलावा होर भी कोई भी शेप ड्रा करन लई उस शेप दे उत्ते क्लिक करो ते उस शेप नूं ड्रा करने लई माउस नूं वाइट पेज दे उत्ते लिया के अपना खब्बा बटन क्लिक करके हेठां नूं जां सज्जे पासे वल्लों जिस तरफ नूं भी तुसीं शेप नूं ड्रा करना है अपने माउस नूं उस तरफ नूं ड्रैग कर लवो। सो इस तरीके नाल तुसीं शेप नूं ड्रा कर सकदे हो। सो इह तां सी शेप ड्रा करन दा तरीका। हुण असीं गल करदे हां कि इह जो दो ऑप्शन हन फिल अते आउटलाइन इहनां दा की यूज़ है। तुसीं देखोगे कि जदों असीं शेप ड्रा करते हैं तो शेप के जिहड़ा विचकार वाला हिस्सा हैगा वह बिल्कुल ही खाली हैगा। सो जेकर असीं चाहुंदे हां कि शेप के विचकार वाला जिहड़ा हिस्सा हैगा उहदे विच ऑटोमैटिकली कोई ना कोई कलर आ जाए तो किसी तरीके नाल कलर आवे। जिवें इत्थे देखो कि मैं इत्थे फिल दे उत्ते क्लिक करना है साढ़े कोल इत्थे बहुत सारियां ऑप्शन हैगियां, नो फिल, इस तों अलावा सॉलिड कलर क्रायोन, इस तों अलावा मार्कर ऑयल, नैचुरल पेंसिल एंड वाटर कलर, ये साढ़े कोल ऑप्शन हैगियां आ। सो इत्थे असीं कलर वन दे विच जिहड़ा भी कलर सिलैक्ट कीता होया होया उही कलर साडा शेप दे अंदर फिल हो जाणा हैगा। इत्थे मैं ऑयल कलर नूं सिलैक्ट करदा तां इत्थे देखो ऑयल कलर जिस तरह दा पेंटिंग विच हुंदा उस तरह दा इत्थे आ रिहा हैगा। सो इह तां सीगा साडा फिल ऑप्शन। इस तों अलावा साढ़े कोल इक आउटलाइन ऑप्शन भी हैगी आ। आउटलाइन ऑप्शन दे विच भी असीं किसी भी तरीके की जिहड़ी हैगी आउटलाइन ड्रा कर सकते हैं, उस दे विच भी सानूं वक्रे वक्रे तरह के जिहड़े ब्रशेस की ऑप्शन मिल जाती हैगी आ। आउटलाइन साडी उसे कलर की सिलैक्ट होगी जिस कलर नूं मैं कलर वन दे विच सिलैक्ट किया है।
इतने जेकर मैं कलर वन के रैड कलर लेना हाँ तो तुम देखोगे कि इतने जी शेप हैगी है उसकी आउटलाइन जी है वो रैड कलर की होगी। हुण इतने तुम एक गल होर नोट करो कि जी शेप की अंदरली साइड फिल हुई हैगी है वो वाले कलर ना फिल हुई है जो असी इतने कलर टू के सिलैक्ट किया है और कलर वन के जो असी सिलैक्ट किया है उस दे नाल असी उसकी आउटलाइन ड्रा कर रहे हाँ। सो ये तो सी अपनी शेप नू ड्रा करना तो उसनू फिल करना तो उसकी आउटलाइन सैट करना। हुण असी नैक्सट साइज़ ग्रुप की गल करते हाँ। जेकर असी साइज़ ग्रुप की गल करिए साइज़ ग्रुप के साडे कोल इत्थे जिहड़ियां जिन्नियां भी लाइनस हैगियां जां जिन्ने भी ब्रशेस हैगे आ जां जिन्ने भी साडे कोल इत्थे पेंसिल हैगे आ जां इस तरह के टूल जिस दे नाल असी पेंटिंग जां ड्राइंग करते हाँ उसकी जिहड़ी लाइन की विड्थ नूं वधाउण दे लई इत्थे साडे कोल साइज़ की ऑप्शन मिल जाती हैगी आ। तुसीं जेकर सब तो छोटे साइज़ ते क्लिक करोगे अते इत्थे पेंसिल दे नाल तुसीं लाइन लगाओगे तो वह जिहड़ी लाइन हैगी बहुत ही छोटी जिही बजेगी। इस तों इलावा जेकर तुसीं असी इस साइज़ दे विच मैक्सीमम साइज़ नूं सिलैक्ट करते हाँ तो लाइन की तुसीं देखो विड्थ जिहड़ी हैगी आ वो बहुत ही ज़्यादा वध गई है। यह तो सी साडा साइज़ टूल। हुण असी गल करते हैं कलर्स की। इतने तुम देखो साडे कोल एक कलर प्लेट बनी हुई हैगी है इस दे विच साडे कोल वक्रे वक्रे तरह के कलर हैगे आ। सब तो पहले इतने साडे कोल कलर वन ते कलर टू की ऑप्शन हैगी है। तुसीं अपने माउस का खब्बा बटन दबा के जो भी ड्राइंग करोगे तो कलर वन यूज़ होगा और जो भी तुसीं सज्जा बटन दबा के पेंटिंग जां ड्राइंग करोगे तो कलर टू ऑप्शन जिहड़ी हैगी है उसका इस्तेमाल होगा। सो कलर वन ते कलर टू के कलर्स नूं चेंज करन दे तुसीं जिस भी प्लेट के कलर चेंज करना है जेकर कलर वन के चेंज करना है तो इसे कलर वन के उत्ते क्लिक करके कोई भी कलर तुसीं सिलैक्ट कर लो वो कलर इतने आ जाएगा। सेम इस तरीके कलर टू प्लेट के जेकर तुसीं कलर चेंज करना है तो इतने क्लिक करके तुसीं कोई भी कलर जिहड़ा भी इतने कलर सिलैक्ट करना है उसनों तुसीं इतने सिलैक्ट कर सकते हो। सो इस तरीके तुसीं देखो इस दे विच साडे कोल इस कलर प्लेट के बहुत सारे बॉक्सस जिहड़े हैगे वो खाली भी पए हैगे। इसका मतलब यह हैगा कि जेकर तुहानूं कोई कलर इस प्लेट के नहीं मिल रहा तो साडे कोल इत्थे एडिट कलर की एक ऑप्शन हैगी इहदे उत्ते क्लिक करोगे तो साडे कोल एक एडिट कलर विंडो ओपन हो जाएगी। इस दे विच सानूं बहुत सारे लगभग सारे ही कलर इत्थे मिल जाते हैं। तुसीं इत्थों इस साइड तो भी कलर सिलैक्ट कर सकते हो या फिर इतने वैल्यू फिल करके भी तुसी कस्टम कलर्स नू सिलैक्ट कर सकते हो। तो जिहड़ा भी कलर तुहाडे कोल इत्थे प्लेट दे विच नहीं हैगा तुसी उसनू सिलैक्ट करके इत्थे ओके इत्थे क्लिक करो तो तुहाडा जिहड़ा कलर तुसी देखो आ जिहड़ा खाली प्लेट सीगी खाली बॉक्स सीगा उत्थे साडा कलर जिहड़ा हैगा आ गया हैगा। सो इस तरीके नाल तुसी अपने नवें कलर भी इहदे विच ऐड कर सकते हो। सो ये तो सी साडी होम टैब। हुण आपां गल करदे हाँ व्यू टैब बारे। सो व्यू टैब के उत्ते मैं क्लिक करदा तुसी इत्थे देखो व्यू टैब के टूल्स ओपन हो गए। व्यू टैब के विच बेसिक जिहे टूल हैगे जेकर तुसी अपनी ड्राइंग नू मान लो ये मैं एक ड्राइंग बनाई हुई है इस नू मैं जूम करके देखना चाहुंदा हाँ तो इत्थे तुसी जूम के उत्ते क्लिक करोगे तो तुसी देखोगे कि साडी जिहड़ी ड्राइंग हैगी है वो जूम इन हो गई अते जेकर मैं जूम आउट करना चाहुंदा हाँ तो इत्थे जूम आउट हो जाएगी। हुण इत्थे जेकर मैं इसनों जूम आउट कर लेना हाँ तो इत्थे साडे कोल एक 100% की ऑप्शन हैगी है। जिवें मैं 100% ते क्लिक किया तुसी देखो कि ये जिहड़ा 100% जूम यानी कि एक परफेक्ट पेज साइज जिहड़ा हैगा वो साडे सामने आ गया हैगा। तो इस तों इलावा जूम तों इलावा जिहड़ा नैक्सट ग्रुप हैगा उसका नाम है शो और हाइड। सो इस दे विच सानूं तीन ऑप्शन मिल रही हैगियां। सो इत्थे सब तो पहला रूलर की ऑप्शन हैगी है तुसी देखो आ जिहड़ा स्केल हैगा इस साइड दे उत्ते ते इस साइड दे उत्ते जो स्केल हैगा आ उसनों अगर असी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इतने चैकबॉक्स के उत्ते क्लिक कर दो। जेकर असी इसनों डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसे चैक नूं अनचैक कर दिओ तो तुसी देखो कि जिहड़ा साडा रूलर हैगा वह हट गया। उसनों वापस लैके आने लई फिर तो इतने मैं क्लिक कर देना हाँ। सो अगे हैगा साडे कोल बहुत सारिया पेंटिंग इस तरह की होंदियां जिस दे विच सानूं ग्रिड लाइन की वरतों करनी पैंदी है। सो ग्रिड लाइन नूं वरतन लई इत्थे असी ग्रिड लाइन के उत्ते क्लिक कर देना हैगा तो तुसी देखोगे कि साडी पूरी की पूरी वाइट शीट के उत्ते ग्रिड लाइन आ गई हैगी है। इसकी मदद नाल असी ड्राइंग नूं वधिया तरीके नाल पेंटिंग अपनी कर सकते हैं। सो इसनों मैं हटा देना हाँ। तुसी देखोगे कि सब तो हेठले पासे साडे कोल एक स्टेटस बार की ऑप्शन है। जेकर असी इसनों हाइड करना चाहते हैं तो इतने असी चैकबॉक्स के उत्ते क्लिक कर सकते हैं। तो दोबारा तो फिर जेकर असी इसनों स्टेटस बार नूं सामने लैके आना चाहते हैं तो इस चैकबॉक्स के उत्ते तुसी क्लिक कर देना है तो साडी स्टेटस बार साडे सामने आ जाएगी। तो अगे साडी हुण ऑप्शन हैगी है डिस्प्ले की। जेकर असी अपनी ड्राइंग नूं फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो असी इतने फुल स्क्रीन के उत्ते क्लिक करके अपनी ड्राइंग नूं देख सकते हैं। सो ये तो सी साडी माइक्रोसॉफ्ट पेंट दी सारे के सारे टूल्स जिन्हां नूं तुसी यूज़ करना सीख सकते हो। जेकर तुसी मेरियां तीन वीडियोज़ देखनी है तो तुम माइक्रोसॉफ्ट पेंट के इस सॉफ्टवेयर के विच एक्सपर्ट हो जाओगे जो कि एक अजिहा सॉफ्टवेयर है। जेकर नवा कंप्यूटर सीखना शुरू किया है तो तुहानू इस दे विच जेकर माइक्रोसॉफ्ट पेंट नूं तुसी सीख लिया तो तुहानू बेसिक जिहड़ी हैगी नॉलेज कंप्यूटर की हो जाएगी कि किसी सॉफ्टवेयर नूं किस तरीके नाल ओपन करीदा हैगा या फिर उस दे विच कोई भी काम किवें करीदा किवें टूल्स नूं यूज़ करीदा हैगा किस तरीके नाल एक नवी फाइल बनाई दी हैगी फाइल नूं सेव किवें करीदा। तो यह बेसिक इनफॉर्मेशन मैं तुहानू इन्हां मेरियां जिहड़ियां लास्ट वाली तीन वीडियोज़ माइक्रोसॉफ्ट पेंट दीआं हैगीआं उन्हां विच
मैं तुहानूं इह जानकारी सारी दित्ती हैगी आ। सो जेकर तुसीं चैनल दे उत्ते पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो। इस तों अलावा इस वीडियो नूं तुसीं लाइक भी करियो। तुहानूं मेरी वीडियो किस तरह की लगी तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर दस्सियो। इस तों अलावा जेकर तुसीं कुछ होर भी सीखना चाहते हैं तो वह भी मैनूं तुसीं कमेंट बॉक्स में दस सकते हो। सो जल्द मिलते हैं किसी नवी वीडियो के नाल। तद तक लई धन्नवाद, सत श्री अकाल।